हम सब जानते हैं कि खाना या भोजन हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है, यानी अगर हम अपनी बॉडी को ये फ्यूल ना दें तो इसे खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी हमारी बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए फूड या भोजन जरूरी है, पोषण बहुत जरूरी है। लेकिन यदि हम बात करें डायबिटीज की, कि यदि आपका खान पान बैलेंस नहीं है, प्रॉपर नहीं है, आपकी शुगर न सिर्फ बढ़ सकती है बल्कि आपके शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर आपके हार्ट को, जो कि एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। तो क्या है डायबिटिक्स के लिए सही खान पान? डायबिटिक डाइट प्लान शुगर पर नियंत्रण रखने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है। एक डायबिटीज का रोगी अपने भोजन को चुनने में बहुत सावधानी बरतता है, जैसे कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेता है। तो आज के हमारे शो का सब्जेक्ट यही है, डायबिटिक्स एंड बैलेंस डाइट। और हमारे साथ में है डाइटिशियन डॉक्टर निमाली सिंह, जो कि आपको बताएंगे कि क्या हो डायबिटिक्स का सही खान पान। ने डायबिटीज के क्षेत्र में काफी रिसर्च की है और काफी सारी चीजें आपकी पब्लिश हुई हैं, आपका स्पेशलाइजेशन है डायबिटीज को लेकर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज असल में है क्या। डायबिटीज एक सिंड्रोम है जिसमें कि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो जब भी, जैसे ही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होता है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो इस तरह से सारा का सारा चयापचय जो है हमारा, बेसिकली जिसको हम अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब हम ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी में, तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में और हमारी यूरिन में पाया जाने लगता है। और ये जो है, यही इस डिजीज की पहचान है कि जब हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाए या हमारी यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाए, तो हम कहेंगे कि इस पर्सन को डायबिटीज हो गई है। जी हाँ, नॉर्मली यही होता है कि कई बार देखा जाता है कि डायबिटीज का चेकअप कराया और शुगर लेवल्स हाई आए। हाँ जी। तो ये या तो ब्लड में या यूरिन में शुगर लेवल बढ़ने की जो स्टेट होती है, हाँ जी, इसी को डायबिटीज कहा जाता है। यहाँ एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर निमाली, कि देखा जाता है कि डायबिटीज के कुछ प्रकार भी होते हैं, डायबिटीज 1 या डायबिटीज 2, टाइप 1 या टाइप 2, इस तरह के कई टर्म्स हमें सुनने में आते हैं, लेकिन हम आम लोग, आम जनता समझ नहीं पाते कि प्रकार से क्या मतलब होता है डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज में जो मेन हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन जो हमारे पैनक्रियाज, जो हम अग्नाशय कहते हैं, वहाँ से सिक्रेट होता है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैम से। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, यही हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। तो जब इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है किसी कारणवश, या वो जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। तो ये जो पेशेंट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस या टाइप 1 डायबिटीज का, ये इसको पूरी जीवन भर इंसुलिन हार्मोन लेना पड़ेगा, तभी इसका ब्लड ग्लूकोज जो है वो मैनेज हो पाएगा। लेकिन जो दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस, ये एक्चुअली इनसफिशेंसी है। इनसफिशेंसी और डेफिशिएंसी में ये फर्क है कि जैसे हमारे घर में 10 लोग खाने पे आए और हमने 10 लोगों का खाना बना लिया, लेकिन 10 की जगह 20 हो गए, तो जब वो 20 लोग हो गए तो खाना कम पड़ गया। इसी तरह से जब हमारा बॉडी साइज इंक्रीज हो जाता है या हमारा बॉडी वेट इतना इंक्रीज हो जाता है कि हम कहेंगे 50%, 60% और अबव, तो वो जो इंसुलिन हार्मोन है जो बिल्कुल नॉर्मली सिक्रीट हो रहा है हमारे नॉर्मल वेट के लिए, वो कम पड़ जाता है। इसको हम कहते हैं इनसफिशेंसी। तो डेफिशिएंसी में है ही नहीं इंसुलिन हार्मोन या बहुत कम है, और इनसफिशिएंसी में नॉर्मल है लेकिन वो हमारे शरीर के लिए पूरा इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि शरीर का साइज इंक्रीज हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। बेसिकली डेफिशिएंसी कमी दोनों में है, लेकिन जो वजह है कमी की वो दोनों में अलग अलग हो जाती है। कहा जाता है कि डायबिटिक्स जो है उन्हें काफी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। डायबिटीज अपने आप में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक डीजेनरेटिव डिजीज इसे कहा जाता है। और यदि पता लगे कि परिवार में किसी को डायबिटीज है, तो सिर्फ उस पेशेंट को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी एक अजीब सा भय होता है, क्योंकि आगे आने वाली जो उनकी जिंदगी होती है वो पूरी तरह से थोड़ी सी डगमगा सी जाती है। देखिए, डायबिटीज ऐसे कोई डरने वाली डिजीज नहीं है, बहुत ही मैनेजेबल डिसऑर्डर है, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा भयावह हैं। इसलिए क्योंकि अगर हमने ब्लड ग्लूकोज को मैनेज नहीं किया है, या हमारा ब्लड ग्लूकोज हमें पता ही नहीं कि हमें डायबिटीज़ है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारी आर्टरीज़ हैं वो स्टिफ होने लग जाएंगी। आर्टरीज इसलिए स्टिफ हो जाती हैं क्योंकि जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज है या शुगर लेवल है,
अगर हम किसी कटोरी में चीनी का पानी रखेंगे गाढ़ा, तो वो चीनी के आजू बाजू एक लेयर बना लेगा कड़क सी, आप देखेंगे कभी। इसी तरह से हमारी ब्लड वेसल्स में भी वो एक कोटिंग बना लेता है। तो जो हमारी आर्टरीज हैं वो यूजुअली एक्सपैंड हो जाती हैं जब हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे कि धूप में रखा हुआ पाइप कड़क हो जाता है, इस तरह से हमारी आर्टरीज कड़क हो जाती हैं और उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसे आप समझिए कि ब्लड जब हार्ट के पास जाता है तो उसका एक टाइम है ना, तो उसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। तो वो टाइम कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर से जाएगा, फटाक से हार्ट के पास पहुंच जाएगा तो हार्ट बीट करेगा, फिर ब्लड वापस से जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी कार्डिक साइकिल है वो भी फास्ट हो जाती है जी। तो जब जो हार्ट को रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है वो कम हो जाएगा, तो हमें पहले तो ब्लड प्रेशर हुआ और ब्लड प्रेशर के कारण फिर हमें हार्ट डिजीज हुई। तो जो डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन फिर और भी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, ये सारे आपको और फिजिशियंस भी ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, लेकिन ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी ब्लड में ग्लूकोज हाई बढ़ गई है और वही डायबिटीज वो चलती रहेगी जब तक वो मैनेज नहीं होगी ब्लड ग्लूकोज। तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है, मेरी तो शुगर अभी तो 110 ही आई है, तो मैं तो बॉर्डर लाइन पे हूँ, पर अगले दिन आपकी 400 भी हो सकती क्योंकि आपने बहुत मीठा खा लिया या आपने मैनेज नहीं किया अपनी डाइट को उस तरह से। तो ये एक रिस्क है और जिसमें हमें बहुत ही केयरफुली अपने आप को मैनेज करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन तभी हो सकती हैं जब हमारा शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में ना रहे। बिल्कुल, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डायबिटीज की, कि हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल रेंज में रहे। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि डायबिटीज में आहार का, यानी आपकी जो डाइट है, डायबिटिक क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, खासकर क्या खा रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है जी, और बिल्कुल। उसी से शुगर लेवल ऊपर या नीचे जाता है, यानी कि आहार की तो बहुत ज्यादा महत्वता होती है डायबिटिक्स में खास। बेसिकली जो डाइट है और जो आपकी लाइफस्टाइल है उसे आप पूरी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं जी। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं या आपको फैमिली रिस्क है डायबिटीज की, अगर मेरे को पता है कि मेरे फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो मैं शुरू से ही अगर मैं ध्यान रखूंगी तो डायबिटीज़ मुझे होने की संभावना तो बहुत अधिक है क्योंकि जेनेटिकली मैं प्रीडिस्पोज्ड हूँ, लेकिन मैं उसको कितना डिले कर सकती हूँ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से, ये बहुत ही एक चमत्कार की तरह ही है कि मैं उसको जो मुझे 40 में हो सकती थी मैं उसको 50 में ले जा सकती हूँ, जो मुझे 50 में हो सकती थी वो 60, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है मेरी मैनेज रहेगी ना, मैं जितने स्वस्थ रहूंगी जी। तो डिले हम कर सकते हैं लेकिन अगर हो जाए तो मैनेज भी हो जाएगी। मुझे लगता है ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ बताई है डॉक्टर निमाली ने, सिर्फ डायबिटिक्स के लिए ही नहीं बल्कि यदि आपके परिवार में डायबिटीज किसी को है तो आगे उसके जाने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये एक शायद जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ऐसे में जो डॉक्टर निमाली ने जैसे कि कहा कि यदि आपके परिवार में डायबिटीज है तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने खानपान पर अभी से बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि उस तरह से ये जो अनुवांशिक बीमारी है डायबिटीज, इसे काफी हद तक टाला जा सकता है। टाला तो नहीं जा सकता लेकिन उसको डिले किया वही कि काफी आगे बढ़ाया जा सकता है कि एक 20-25 साल में यदि आपको डायबिटीज हो जाती है तो ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो ही सकती है। अब हम आते हैं अपने रोल ऑफ डाइट पे, यानी आहार का क्या रोल है डायबिटीज में, उस पर आते हैं। यहाँ डॉक्टर निमाली एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ज्यादातर देखा जाता है कि डायबिटिक्स को मना किया जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ना लें, शुगर ज्यादा ना लें, और फ्रूट्स खाना उन्हें रेकमेंड किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप फल जरूर खाएं। जबकि मेरी लॉजिक, मेरी जो सेंसिबिलिटी है वो तो यही कहती है और मेरे ख्याल से मेरे दर्शक भी मानेंगे कि फ्रूट्स में तो शुगर होती है, तो यहाँ ये मैनेजमेंट कैसे किया जाए? फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है लेकिन शुगर खाने के लिए मना किया जाता है। देखिए ऐसा है कि जो फल है उसमें ग्लूकोज एज सच नहीं है, तो मैंने आपको शुरू में कहा कि इम्पेयरमेंट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो जो जो उसके अंदर शुगर है वो फ्रक्टोज है फ्रूट के अंदर बेसिकली। नॉट ओनली कि वो शुगर डिफरेंट टाइप की है तो उसका मेटाबॉलिज्म पाथवे भी अलग है, जिस रूट से वो जाएगा डाइजेस्ट होने के लिवर में, जिस तरह से वो मेटाबोलाइज होएगा, वो पाथवे डिफरेंट है। दूसरा, जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर इतना सारा फाइबर है जो कि जो ब्लड में शुगर है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होगा, ठीक है। उसके अलावा जो विटामिंस हैं उसके अंदर वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इतने अच्छे, जैसे मैंने कहा आर्टेरियल स्टिफनेस है, तो अगर विटामिन सी आप ज्यादा खा रहे हैं या आपके ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको जो फ्रूट से मिल रहे हैं वो ज्यादा खा रहे हैं,
तो वो जो स्टिफनेस है वो उसको रिलैक्स भी करेगा जी। तो ऐसा नहीं है कि आपने फल खा लिया तो आपका शुगर बढ़ गया, वो शुगर धीरे धीरे रिलीज होगा क्योंकि वो फाइबर के साथ इंटैक्ट है। तो अगर हम शुगर खा रहे हैं, जैसे मैंने चीनी ली या मैंने कोई बर्फी खा ली या मैंने कोई कस्टर्ड खा लिया, तो उसमें मुझे शुगर एज शुगर मिला हुआ है, ठीक है। और अगर हम फ्रूट की शुगर को यूज़ करें, जैसे मैंने श्रीखंड बनाया सपोज करिए, उसमें मैंने कोई फल क्रश करके डाल दिया, तो वो अपने आप ही स्वीट हो गया, प्लस उसकी मतलब वैल्यू एडिशन इतना हो गया उसके अंदर कि उसके अंदर बहुत सारे विटामिंस भी आ गए, मिनरल्स भी आ गए और उसके अंदर बहुत सारा फाइबर भी आ गया। यानी कि दर्शकों, डॉक्टर निमाली के अनुसार फ्रूट्स में पहली बात तो जो शुगर होती है, जैसे कि इन्होंने बताया, फ्रूक्टोज शुगर जो होती है वो एक बहुत ही अच्छी शुगर है, जिससे कि शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। कम इसलिए हैं क्योंकि फाइबर ज्यादा है। बिल्कुल। और जैसे कि इन्होंने कहा कि फाइबर ज्यादा होने की वजह से बॉडी के लिए ओवरऑल वो चीज अच्छी होती है। और दूसरी बात ये, जैसे कि आपने एक और चीज हमें बताई कि विटामिन सी यदि मिलता है तो उससे एक ओवरऑल हेल्थ, विटामिन जो मिल रहे हैं उससे ओवरऑल हेल्थ अगर अच्छी हो रही है, तो मेरे ख्याल से इन ऑल दिस इज अ वेरी गुड पैकेज। इसके अलावा फल जब आप खाएंगे तो आप फल को कभी खाने के साथ नहीं खाएंगे, फल को आप बिटवीन द मील्स खाएं, है ना। तो आपको ये भी नहीं है कि आपने फल भी खा लिया उसके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट था, फिर आपने चपाती भी खा ली, फिर आपने कुछ मीठा भी खा लिया, नहीं। तो जब भी आप दो मील्स लेंगे उसके बीच में आप फ्रूट खाएं तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और ये मेरे ख्याल से उसलिए भी ठीक है कि देखा गया है कि डायबिटिक्स को भूख ज़रा ज़्यादा ही लगती है, क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो यदि उस क्रेविंग के टाइम अगर फल खा लिया जाए तो वो मेरे ख्याल से उनकी क्रेविंग इसलिए है क्योंकि जो ग्लूकोज है ना वो मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा। मैंने खा तो लिया लेकिन मैं उस शुगर को यूज तो कर ही नहीं पा रही, उस एनर्जी को तो मैं यूज ही नहीं कर पा रही। आप देखेंगे जब डायबिटीज हो जाती है तो लगभग वेट रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, उनका वेट कम होने लग जाता है। ये एक सिम्टम है कि इसको डायबिटीज है, इसलिए क्योंकि वो जो एनर्जी ले रहा है पर्सन वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा उसको जी। तो खाता तो चला जा रहा है लेकिन वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो क्योंकि वो एनर्जी ब्लड में है, मतलब ब्लड में शुगर है और यूरिन में शुगर है, तो एनर्जी सारी वेस्ट हो रही है हमारी बॉडी से। तो जो फल खाना है उसको साथ में नहीं खाना है, एक तो फल को अलग खाना है और दूसरा ये है कि वो क्रेविंग इसलिए है क्योंकि वो हमारी एनर्जी शुगर जो है हमारे यूरिन के थ्रू और हमारे ब्लड में रहकर वेस्ट हो रही है, बस वो हमें कुछ न्यूट्रिशन दे नहीं पा रही। बिल्कुल। डॉक्टर निमाली, यहाँ एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर डॉक्टर्स मना करते हैं कि डायबिटिक को कुछ फल, जैसे कि अगर खास नाम लिया जाए तो आम या केला जो कि बहुत मीठे, या चीकू कहा जाता है कि यह जो अत्यंत मीठे वाले फल हैं ये बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप एक बार में कितने फल खा सकते हैं, एक बार में आप एक केला खा लेंगे या मैक्सिमम अगर केले का साइज छोटा है तो आप दो केला खा लेंगे। इसी तरह से आप चीकू भी एक या दो खा लेंगे, चीकू में इतना जबरदस्त फाइबर है, केला अगर थोड़ा सा रॉ हो उस पर इतना फाइबर है, मैंगो तो आप फील ही कर सकते हैं रेशा, जब भी आप ज्यादा मैंगो खाते हैं तो आपको पता चल जाता है, जब आपका सुबह क्लीन होता है सिस्टम तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इसमें बहुत रेशा है, स्पेशली लंगड़ा आम जो कि बहुत ही रिच इन फाइबर होता है, तो आपको पता चलेगा कि जो फल है वो हम ऐसी इतनी ज्यादा तादाद में हम खा नहीं सकते। मैं बैठ के एक किलो आम खा नहीं सकती, मैं एक बैठ के एक किलो केले नहीं खा सकती, है ना। तो फ्रूट आप जब भी खाएंगे, आप ये एक पीस खाएंगे, आप छोटा एक केला खाएंगे तो आप वो खा सकते हैं इजिली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैंने आपको क्या बताया, बिटवीन द मील्स खाइए, थोड़ा रॉ खाइए, एकदम मीठा मत खाइए। और अगर आप खा रहे हैं तो एक सपोज करिए मैंगो खा रहे हैं तो आप एक हाफ मैंगो खा लीजिए एक बार में, लेकिन आप शाम को खाना चाहते हैं तो हाफ मैंगो और खा लीजिए, लेकिन बिटवीन द मील्स खा लीजिए जी। तो आपको अपने आप को कतई ये जरूरत नहीं है कि आप अपने आप को डिप्राइव करें किसी भी फल के लिए। फल तो जीवन है। आप अगर देखेंगे अभी नई जो रिकमेंडेशंस हैं वो यही कहती हैं कि आपके कम से कम 5 से 6 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एक्सचेंजेस होने चाहिए। मैं कहूँगी आप 8 खाइए, 8 एक्सचेंजेस खाइए, मतलब 8 तरह के फल और सब्जी खाइए। और जितनी भी रिसर्च हो रही है वो ये कह रही है कि जब अगर आपको कैंसर मुक्त रहना है तो आप फल खाइए, अगर आपको डायबिटीज मुक्त रहना है तो आप फल खाइए, आपको हार्ट डिजीज मुक्त रहना है, आपको हाइपरटेंशन मुक्त रहना है, तो फल आपको जीवन दे रहा है। तो आप डायबिटीज में भी आप बिल्कुल खुले मन से फल खाएं, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी लिमिट करिए कि जैसे मैंने एक फल के बराबर ही एक बार में खाया,
फिर मैं 2-3 घंटे 4 घंटे बाद एक और फल खा लूं, कोई कोई परहेज नहीं है इसमें। बल्कि यहाँ मुझे लगता है कि जो हमें आदत होती है कि भूख लग रही है एकदम से जाकर हमने चिप्स खा लिए या 2 बिस्किट खा लिए, मतलब उसकी जगह फल खाना ज्यादा ठीक है। बिल्कुल, भले ही आप डायबिटिक है और भले ही आप आम और केला खा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि आप बिस्किट खाएंगे ना उसमें आपको वो रिफाइंड शुगर मिलेगी, फल में आपको नेचुरल शुगर मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि नेचुरल शुगर जो है वो आपका सिस्टम आराम से धीरे धीरे ब्लड में रिलीज करता है, लेकिन जैसे ही मैंने एक बर्फी का टुकड़ा खाया मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से हाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें अराउंड सपोज करिए एक मिठाई खाई मैंने तो उसमें कम से कम 20 ग्राम से 25 ग्राम तक चीनी होगी आराम से जी, है ना, ये मैं लोअर लिमिट बता रही हूँ। बिल्कुल, तो आप समझ लीजिए कि एक फल में जब आप खाएंगे तो उसमें 8 ग्राम शुगर है और एक मिठाई में 25 ग्राम है, तो आप सोच लीजिए मीठा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और आप कहते हैं फल ना खाएं, मतलब तो मुझे लगता है कि हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम मीठे की बजाय में, जैसे मैंने आपको पहले कहा शुगर की जगह आप खीर में या श्रीखंड में आप एक आम ही डाल दीजिए या अंजीर डाल दीजिए, इट विल बी स्वीट एंड बहुत ही बढ़िया और आपके नेचुरल शुगर बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने कहा कि बर्फ़ी या श्रीखंड या खीर जो है ये सब खाने में आपने खुद ही बताया कि शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो क्या डॉक्टर निमाली डायबिटिक्स को मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। देखिए क्या होता है, हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम मीठा कौन सा खा सकते हैं। जैसे मैंने कहा खीर है, तो खीर में अगर आपने चीनी नहीं डाली है तो क्या डाला है आपने, दूध उठाया है, प्रोटीन है, चावल उठाया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है और चावल का जो प्रोटीन है वो वीट से बेटर होता है ना, गेहूं से बेटर प्रोटीन होता है। तो जब आपने खीर बनाई और आप उसमें चीनी की जगह अगर आपने 2 अंजीर डाल लिए भिगाए हुए या आपने उसके अंदर डेट्स डाल लिए भिगाए हुए और आपने उसमें किशमिश डाल ली भिगाई हुई, तो आप जब भी उसको खाएंगे उसमें फ्लेवर मीठा वो स्वीटन हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप शुगर मत डालिए ना, आप वो खीर खा लीजिए, अंजीर को आप क्रश कर लीजिए, आप नट्स को थोड़े से क्रश कर लीजिए अंजीर के साथ और उसको उसमें मिला लीजिए, या डेट्स को मिला लीजिए या किसी फ्रूट को मिला लीजिए। श्रीखंड में स्पेशली फ्रूट श्रीखंड बनाते हैं हम लोग बहुत कॉमनली, तो उसमें हम आम डालते हैं, पाइनएप्पल डालते हैं, या हम उसमें कभी केला भी डाल सकते हैं, कुछ कोई सा भी फल आप ले सकते हैं और उसको डाल, जो फल थोड़े मीठे मीठे होते हैं वो आप डाल लीजिए और उसके अंदर, या फिर आप किशमिश भिगा के डाल दीजिए उसमें, या आप अंजीर भिगा के डाल दीजिए, नेचुरल मिठास तो होती है, नेचुरल मिठास बहुत मीठी होती है। अभी मैंने रिसेंटली देखा था, मैं मिठाई लेने गई थी, मैं क्योंकि मीठा मैं खुद नहीं खाती हूँ, और मैंने देखा कि अंजीर की बर्फी थी और अंजीर के अंदर सारे नट्स बाउंड किए हुए थे उन्होंने, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि अंजीर बहुत ही ज़्यादा फाइबर, उसमें सॉल्युबल फाइबर भिगाए हुए अंजीर में बहुत हाई होता है और वो नेचुरल स्वीटनर है और उसके साथ आपको मीठे का टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल, यानी मीठे की जो तलब होती है, अंजीर की वो जो बर्फी मैं आपको बता रही हूँ या डेट्स की बर्फी जो बता रही हूँ, तो आप एक्चुअली सकर संक्रांति पे देखी थी मैंने, तो उसमें ये सारी चीज़ें थी कि डेट्स की अंदर थोड़े से तिल मिला लिए और उसके अंदर नट्स मिला लिए और उसको भिगा के उसको ही बाइंड कर लिया, तो वो दैट इज़ अ वेरी गुड स्वीट आइडिया एक्चुअली, इट्स अ वेरी गुड स्वीट। एंड जब भी आप मीठा खाएंगे, वो मैंने जैसे फल के लिए कहा वैसे वो भी आप खाने के बीच में खाएंगे, कभी भी आप खाने के साथ में मीठा नहीं खाएंगे। एक और चीज़ आप खा सकते हैं वो है रसगुल्ला, तो रसगुल्ला लेकिन पूरा निचोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा छेने का बनता है रसगुल्ला जी, तो पूरा प्रोटीन है, तो जब आपने उसको पूरा निचोड़ दिया है उसके बाद जब आप खाएंगे तो उसमें इतना कोई मिठास रह नहीं जाता, वो वैसे भी थोड़ा लाइटर स्वीट है। बिल्कुल, तो आप रसगुल्ले को निचोड़ के और आप खाइए तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और एक हम संदेश बनाते हैं उसमें, हम फ्रूट संदेश बना सकते हैं, तो कुछ रेसिपीज हैं जो हम ओवर कहीं हम थोड़े क्रिएटिव होकर, और खास बात फिर वही आती है कि चीनी की बजाय, रिफाइंड शुगर की बजाय मिठास के लिए यदि कुछ फ्रूट्स यूज, ड्राई फ्रूट्स काम में लिए जाएं तो वो आपके टंग के लिए, आपके टेस्ट के लिए भी अच्छे होंगे और आपके हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही। मीठे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप डायबिटीज में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मीठी चीजें नहीं खा सकते, आप हैवी चीजें भी नहीं खा सकते। बिल्कुल, तो आपको क्या है, आपको जब डायबिटीज है तो आपको 2 चीज़ें मैनेज करनी है, एक तो एनर्जी और आपका कार्बोहाइड्रेट।
तो जैसे अगर आप 4 बड़े मील्स लेते थे, तो मैंने क्या कहा कि जैसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में आपकी इंसुलिन कम पड़ गई है ना, इंसुलिन इनसफिशिएंसी है, तो आप क्या करेंगे, 4 की जगह 6 मील्स ले लीजिए। 6 मील्स का मतलब जैसे हम ब्रेकफास्ट लंच टी डिनर लेते हैं, उसके बजाय हमने ब्रेकफास्ट लिया, उसके 2-2.5 घंटे बाद हमने कोई और छोटा मील ले लिया, जैसे हमने कोई फल खा लिया उसके, या हमने छाछ पी ली या लस्सी पी ली या कोई शेक पी लिया या कोई स्मूदी ले ली, उसके बाद हमने लंच लिया। लंच हमेशा हम किसी सैलड से स्टार्ट करें और सूप से या सैलड से या छाछ से स्टार्ट करें और फिर हम खाने पे जाएं। जब भी हम सैलड से खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर थोड़ा सा रेज हो जाता है, उससे हमारी जो ईटिंग है कैपेसिटी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि हम बहुत बड़ा मील एक साथ खाएं, हम छोटी छोटी मात्रा में 6 बार खाएं। तो फिर लंच के भी 2.5-3 घंटे बाद हम थोड़ा चाय के साथ कोई स्नैक ले लें, जैसे मुरमुरे चने ले लिए हमने या भुनी हुई मूंगफली डाल दी, उसके अंदर हम ऐसा चिवड़ा बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हम फिर उस खाने से पहले कोई सूप या फल या कुछ ऐसी चीज़ खा लें, उसके बाद हम डिनर लें। लेकिन हम हर हालत में हमारा डिनर 8 बजे से पहले ले लें। ये एक आप लाइफस्टाइल में ही मान लीजिए, हम ये बना ही लें कि हम 2.5-3 घंटा ना खाएं। ये टिप सिर्फ डायबिटिक्स के लिए नहीं, ये तो डायबिटिक्स के बिल्कुल, लिए भी बहुत बिल्कुल ही ये सारा खाने का जो पैटर्न है ना, देखिए आजकल जो पैटर्न है वो ऐसा हो गया है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, बिल्कुल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मैं इसलिए बताना चाहूंगी आपको यहाँ पे, इसका जो रीजन है, तो ये इंसुलिन कम थी तो मैंने थोड़ा ही खाया तो मेरा वो खाना पूरा का पूरा मेटाबोलाइज हो गया, डायबिटीज के लिए तो ये है। दूसरा, जब भी हम खाना खाते हैं एक साथ तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे मैंने थोड़ा सा खाया तो मेरा उस समय का एनर्जी पैकेट, मान लीजिए वो मेरा एनर्जी पैकेट था, वो मेरा यूज़ हो गया, 2 घंटे बाद जब मैं थोड़ा सा खाऊंगी तो मैं वापस से उतनी एक तो फ्रेश रहूंगी पूरे टाइम, क्योंकि मेरे को रेगुलर एनर्जी सप्लाई है। दूसरा, आप देखेंगे कि जब भी आप हैवी मील लेते हैं तो आपको बहुत नींद आती है या आपको बहुत हैवीनेस फील होती है और आपको लगता है कि पेट भारी हो गया, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, हम बैठे रहते हैं बहुत बहुत घंटे, 3-3, 4-4 घंटे हम एक डेस्क पे बैठे रहते हैं, फिर हम थोड़ा सा हिलते हैं फिर हम आके बैठ जाते हैं, सो हमारी सिटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इसलिए बेटर है कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, जिससे कि हमारा यूटिलाइजेशन जो है पूरे फूड का वो बेटर हो। कार्बोहाइड्रेट हमें हर मील में मैनेज करना है, इसका मतलब ये है कि हमारा हर मील संपूर्ण होना चाहिए, उसमें ऊर्जा, कार्बोस, प्रोटीन, फैट सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए सारे बिल्कुल न्यूट्रिशन बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस समय मीठा खा लिया है तो मैं लेकिन रोटी भी खाऊंगी, अगर आपने गलती से कहीं खा भी लिया है तो फिर आप उसमें पूरी की पूरी अपनी चपाती को गिव अप कर दीजिए, जैसे आप शादी में गए खाना खाने, तो अगर आपने मीठा खा लिया है, अगर आपको मीठे का शौक है तो भाई पहले आप मीठा ही खा लीजिए, फिर आप बाकी का खाना भूल जाइए, ये मेरी एडवाइस है आपको। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, यदि खासकर बात करें डायबिटिक्स की, तो ये देखा जाता है कि आसपास की पॉपुलेशन में यदि हम देखें तो वर्किंग क्लास जो है खासकर अराउंड 30s या 40s में डायबिटिक्स बहुत हैं। इंडिया को वैसे भी डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है, हमारे आसपास बहुत सारे डायबिटिक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जो काम भी कर रहे हैं, बिजनेस मीटिंग्स में भी जा रहे हैं, शादियों में भी जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स में भी जा रहे हैं, मतलब है ज़्यादा खाने में आना, लेड आउट बुफेज होते हैं, बहुत खाने के ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसे में डायबिटिक्स अपने आप को कैसे मैनेज करें? डाइट मैनेजमेंट बेसिकली बिकम्स अ प्रॉब्लम जब आप बाहर जाते हैं, तो जो समस्या डायबिटिक्स को फेस करनी पड़ती है, जो समस्या डायबिटिक्स के सामने आती है, उसे सुलझाने के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अब देखिए, जब भी हम बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए तो ये बिल्कुल तय है कि वो फूड जो है वो कम से कम डबल से ज़्यादा फैट युक्त होगा। फैट मैं इसलिए बोल रही हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन है कि किसी भी खाने को टेस्टी बनाना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घी तेल डालें हम। तो आप ये मानिए कि अगर हम एक्चुअली देखें तो 4 गुना ज़्यादा कैलोरी हम खाते हैं जब हम बाहर खाते हैं, इसलिए क्योंकि खाना में वो टेस्टी भी लगता है तो उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि लेड आउट है फूड, तो पहले स्टार्टर्स हैं, पहले ड्रिंक है, सॉरी, जैसे आपने एपेटाइजर्स हैं आपके, वेलकम ड्रिंक है, फिर आपने बहुत सारे स्नैक्स हैं आपके, फिर आप कई तरह की चाट होगी, शादियों में स्पेशली आप देखेंगे तो जितनी बड़ी शादी उतने तरह के पकवान। तो हम पहले तो ये डिसाइड कर लें कि हमें डायबिटीज़ है तो
तो हमें क्या वो खाना खाना भी चाहिए? क्योंकि मैंने कहा आपको कि कम से कम 4000 कैलोरीज आप खाएंगे, तो एक तो इसका ये है कि या तो हम स्टार्टर्स ही खा लें या हम खाना ही खा लें। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम सब तरह के चाट भी खा लें, हम सब तरह के स्टार्टर्स भी खा लें, हम वेलकम ड्रिंक भी ले लें, हम सूप भी ले लें और उसके बाद हम खाना भी खा लें। ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर अ डायबिटिक, क्योंकि अगले कई दिनों तक उसकी जो शुगर है वो बहुत ही गड़बड़ाने वाली है। और हमारे यहाँ पे जो हमारी जो कंट्री है बहुत ही सोशल है, जन्म मरण परण सब में हमारे यहाँ भोज होता है। तो अगर उसके अलावा एक मनुहार करने की आदत बहुत ज्यादा होती है, तो अगर हमने इसको चेक नहीं किया हमारी ईटिंग आउट को, जो हमारी सोशल ईटिंग है स्पेशली, और आप देखेंगे कि आप हम डायबिटीज कैपिटल बन क्यों रहे हैं ये भी हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि हमारी जो ईटिंग आउट की हैबिट है, आप देखेंगे जब हम लोग बच्चे थे तो हम साल में या एक या दो बार हम बाहर खाना खाने जाते थे, लेकिन आजकल हर फैमिली वंस अ वीक आउटिंग उनकी ज़रूर होती है। अगर वो रेस्टोरेंट ईटिंग नहीं है तो किसी फ्रेंड के घर में पार्टी है, या फिर हम किसी शादी में जा रहे हैं, तो वंस अ वीक सोशल ईटिंग हमारी ज़रूर है। तो इसमें डायबिटिक्स के लिए स्पेशली बहुत बड़ा चैलेंजेस, और आपने जैसे कहा कि बिजनेस एसोसिएट्स हैं, बिल्कुल, उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, उसमें उनके खाने अलग तरह से उनको कई बार होस्ट भी करने पड़ते हैं लंचेस एंड डिनर्स, तो उसमें भी बहुत हमारा जो लेआउट है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ होता है और बहुत ही हाई कैलोरी होता है। अब सबसे बेस्ट थिंग जो इसमें है, आप क्या चूज़ करें इसमें से और क्या ना करें, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा था नॉर्मल रूटीन में जैसे हम सैलड से स्टार्ट करते हैं, तो हम सैलड और फ्रूट, ऑल्दो बहुत एडवाइजेबल नहीं है बाहर की, अगर आप देख लीजिए हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, क्योंकि न्यूट्रिशन के होने के साथ साथ हम माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि जितना भी कट सैलड है या कट फ्रूट है उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो खाना अच्छा खा लिया लेकिन पेट खराब हो गया, ये भी हम नहीं चाहते। तो आप देख लीजिए कि अगर वो हाइजीनिक सेटिंग है, तीन चीज़ें हमारे लिए रिस्की हैं, एक तो पानी पीने का, एक फल और सब्जी कटी हुई, और तीसरा है दूध दही से बनी हुई चीज़ें। ये तीन हमारे लिए बहुत रिस्की रहती हैं बाहर खाने के लिए। तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं इन तीनों को, तो अवॉइड करिए, आप सूप पीजिए सीधा। सूप के बाद आप जब भी खाना लेंगे तो आप हमेशा वेजिटेबल्स जो फ्राइड हैं उनको बिल्कुल टोटली अवॉइड करिए। आप हाई प्रोटीन फूड की तरफ देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ग्रिल पनीर है, पनीर टिक्का है, ये वाली चीज़ें जो हैं कि ग्रिल की हुई हैं तो उसमें फ्राइड नहीं है, लेकिन अगर आप चिली पनीर खाएंगे तो चिली पनीर ज़रूर फ्राइड होएगा। तो आप ग्रिल्ड जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, आजकल बहुत अच्छे ग्रिल्ड फ्रूट्स आने लगे हैं मसाला वाले, सो ये चीज़ें आप खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट भी ग्रिल होने के बाद में उसकी माइक्रोबियल क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। तो आपने सैलड का आप बड़ा प्लेटर लीजिए, सबसे पहले आप सलाद खाइए और सूप पीजिए, उसके बाद आप ये कोशिश करिए कि अगर कोई पनीर की वेजिटेबल है तो उसमें से सिर्फ पीस खाना है आपको, ग्रेवी कतई नहीं खानी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस है और बहुत ज़्यादा फैट है उसमें। और फिर उसके साथ आप कोई तंदूरी रोटी ले लीजिए, बिल्कुल भी लच्छा पराठा नहीं खाना है और नान नहीं खानी, और कोई भी दाल तड़का ले लीजिए आप। जो दाल तड़का है उसमें सबसे कम आपको घी तेल मिलेगा, और उसके साथ आप लेमन वगैरह कुछ ले लीजिए। आप देखिएगा कि जब भी आप खाना ख़त्म करते हैं तो आपको ज़रूर मन करता है कि आप नींबू पानी पी लें, तो आप प्लीज़ पी लीजिए, क्योंकि वो भी डाइजेशन को आपके इम्प्रूव करेगा। आप श्रीखंड खा सकते हैं, आप खीर खा सकते हैं, लेकिन मालपुआ, गुलाब जामुन, हलवा, इन सब, गाजर का हलवा भी नहीं खा सकते क्योंकि उसमें भी काफ़ी घी होता है। आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, और थोड़ा सा मीठा खाने के बाद ही आप अपना खाना लें, क्योंकि आप जब मीठा खा लेंगे तो आपके खाने की क्वांटिटी अपने आप ही हाफ से भी कम हो जाएगी। तो मेरी ये एडवाइस है कि जब बाहर खाएं आप इस तरह से फूड चॉइसेस कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन किया है दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर निवाली ने भी बताया कि किस तरह से आप अपने खाने की प्लेट को के लिए सिलेक्टिव हो सकते हैं, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। यदि इसका आपको अच्छी तरह से ज्ञान है तो मेरे ख्याल से चाहे डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक हो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बहुत अच्छे टिप्स हैं उन लोगों के लिए भी जो वेट रिडक्शन करना चाहते हैं, जो अपना वजन कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर निमारी ने बताया कि आप खाइए, खाने पे मना ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को। ये डायबिटिक्स को एक खास प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, खासकर अगर हम बात करें महिलाओं की, कि हमारे देश भारत में
रिलीजन जो है वो बहुत हावी रहता है, धर्म बहुत हावी रहता है, और जिसकी वजह से देखा जाता है कि महिलाओं को, लेडीज को ज्यादातर बहुत तरह के व्रत उपवास करने पड़ते हैं। डायबिटिक्स के लिए व्रत उपवास करना वाकई एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या महिलाओं को या डायबिटिक्स को व्रत उपवास करने चाहिए या नहीं? 12 घंटे का फास्ट होता है, है ना। यूजुअली आपने जब भी 8-9 बजे अगर आपने खाना खाया है तो नेक्स्ट डे आप 8-9 बजे ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो डायबिटिक्स को स्पेशली इतना लंबा फास्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उठते से ही ब्रेकफास्ट के टाइम तक हमें कुछ ऐसा मेजर एनर्जी का सोर्स ले लेना चाहिए। तो ये नट्स फास्टिंग में स्पेशली, यूजुअली भी ले सकते हैं, फास्टिंग में स्पेशली बहुत हेल्दी रहेगा। यानी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो है इनका सेवन आप ज्यादा कीजिए यदि आप फास्टिंग कर रहे हैं, यानी यदि आप व्रत रख रहे हैं। और अब डॉक्टर निमाली, एक सवाल जो मैं चाहूंगी, क्योंकि समय की कमी है, वरना हम बहुत सारी आपसे और बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो बातें हमें बता रही हैं वो वाकई बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि ये एपिसोड हम खास डायबिटिक्स पर फोकस कर रहे हैं, एक सवाल जो होता है वो डायबिटिक्स के मन में भी होता है, मेरे ख्याल से उनके परिजनों, उनके फैमिली मेंबर्स के मन में भी जरूर होता है कि क्या डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि आज इंसान को डायबिटीज हुई है लेकिन अच्छे मैनेजमेंट से, अच्छी दवाइयाँ लेने से, अच्छी तरह से रहने से क्या इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? देखिए, डायबिटीज एक सिंड्रोम है ना, इसको खत्म नहीं कर सकते हम, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारी डाइट ऐसी रहे जिससे कि हमारा ब्लड शुगर मेंटेन रहे, और उसके साथ एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम 40-45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग, अगर आप कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो। आपको ये दो चीज़ें अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो आपकी डायबिटीज़ ब्यूटिफुली मैनेज हो सकती है। और उसके साथ एक बात और बताना चाहूँगी, एक्सरसाइज कभी भी खाली पेट नहीं करनी है आपको, उसके आधे घंटे पहले ज़रूर आपने कुछ ना कुछ खाया हो, भले से आपने चाय के साथ 2 बिस्किट ही खाए हो, या एक केला खाया हो, या 1 गिलास दूध पिया हो, आधे पौने घंटे पहले आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लेना है। खाली पेट आप कभी भी वॉक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वॉक पे गिर गए तो आपको सीधे अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ पे उनको ये पता नहीं होगा कि आपको डायबिटीज है, तो आपको ग्लूकोज चढ़ा देंगे, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सब चीजें जो छोटे छोटे से दर्शकों, ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो रूटीन में हमें काफी याद रखने की जरूरत होती है, क्योंकि यदा कदा इस तरह के बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं कि अचानक फेंट हो गए और जब तक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तब तक चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी थी, या कई बार ऐसा देखा जाता है कि सोते सोते ही इंसान जब सुबह उठाते हैं तो उठ नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं अगर हम अपनी डेली लाइफ में मानना शुरू कर दें और इन्हें समझने लग जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सकता है। टिप मैं आपको देना चाहूंगी, जब भी जो भी डायबिटिक हो वो अपने पर्स में कोई टॉफी, कोई कैंडी, कोई चॉकलेट, कोई भी मीठी चीज जरूर रखें, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने कब खाना खाया है और कब नहीं खाया है। कभी कभी आप दवाई ले लेते हैं डायबिटीज की और आप खाते नहीं हैं, और आपको चक्कर आने लगे, आपको एकदम से ठंडा लगने लगे, आपको पसीना आने लगे, तो आप तुरंत ही वो मुंह में रख लीजिए, क्योंकि ये सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होते हैं, यानी ब्लड ग्लूकोज बहुत नीचे चला गया है क्योंकि आपने दवाई खा ली है या आपने इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया है। तो उसमें भी आपको ये, उसमें हम आपको कहेंगे कि प्लीज आप एक मीठा खा लीजिए, तो आपको मीठा रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने दवाई ली है उसके बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ खाना है। अगर आप भूल गए हैं तो अपने पर्स में जो आपने चॉकलेट या टॉफी या कुछ भी रखा हुआ है वो तुरंत खा लें। यानी कि यहाँ भी शुगर लेवल्स को मैनेज करने की जरूरत है कि दवाई ली है तो शुगर लेवल्स नीचे आ जाएंगे, तो उसमें उसके बाद यदि आपने अपना लंच या डिनर नहीं लिया है तो शुगर लेवल को वापस मैनेज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कहीं शुगर के कंटेंट की, किसी शुगर की चीज की। लेकिन ये सिर्फ तभी के लिए टिप दी गई है जबकि आपको जरूरत है, यानी जब आप समय पर खाना नहीं खा पाए हैं। रूटीन में वो सभी टिप्स काम आएंगी जो डॉक्टर निमाली ने हमें पिछले इस एपिसोड में टॉक के दौरान दी हैं। तो डॉक्टर निमाली, आज यहाँ आपने आकर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, जो जानकारियाँ हमें दी हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दर्शकों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, खासकर डायबिटिक्स की बात करें तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे मन में आते हैं। जैसे कि मैंने भी शो के दौरान बहुत सारी चीज़ें
पूछी है कि आम खाएं या केला खाएं, यदि अल्कोहल पीनी पड़ रही है तो कितनी लेनी चाहिए, यदि बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो कितना खाना चाहिए। ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो डायबिटिक्स के मन में आते हैं, और उनके जवाब हमें ज़रूरी नहीं कि गूगल पे ही ज़्यादातर मिल सके। ऐसे जवाब हमें ज़्यादातर ऐसे डाइट एक्सपर्ट्स, ऐसे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के पास ही मिलते हैं। तो आज के हमारे शो में हमारी कोशिश यही रही कि डायबिटिक्स जो सवाल ज़्यादातर पूछना चाहते हैं आहार से संबंधी, उनका जवाब देने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। डॉक्टर निर्माली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमने जाना मधुमेह के बारे में, जाना कि मधुमेह में ज्ञान ही है समाधान। डायबिटीज पर जीत अब दूर नहीं, यही है हमारा संकल्प, और इसी संकल्प को साथ लिए मैं एस्मा अग्रवाल अब आपसे इजाजत लेती हूँ और वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में फिर होंगी हाजिर कुछ और सलाहें, कुछ और ज्ञान लेकर आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।